thanks. I shall make up karma from Ashwamedh Vidyapeeth. In last video, we had seen about patterns. Patterns for whole numbers. Also, using some shapes, we had seen some examples for just as triangle, square, rectangle. So, numbers can be also displayed by these dots and shapes in these triangles, rectangles, squares, just like this. Today we are going to see some more patterns, but using of numbers, not we are using shapes. So let's start it. तो ये जो example है हम लोगों को यहाँ मैंने यहाँ पे कुछ patterns लिख के रखी है हम लोग उसको one by one पढ़ते जाएंगे, उसको observe करेंगे और देखेंगे कि common क्या है. तो पहला जो है स्टडी द फॉलोइंग, यानी कि ये जो है हम लोग को दिया गया है, तो पहली जो पैटर्न है तो उसमें क्या है, जो 9 है, फिर 99 है, फिर 999 है, 9999 है. तो ये जो नंबर्स हैं, तो उसके लिए अगर ये जो नंबर्स हैं उसको किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम लोग कैसे इजीली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए जो पहली पैटर्न है वो उसकी शॉर्ट फॉर्म है. देखो, देखते हैं 117 प्लस 9. जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि अगर हम लोगों के पास 9 हो, 99 हो, तो ऐसे यहाँ पे हम लोगों के पास है 9, तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे सब्ट्रैक्शन या तो फिर एडिशन कर सकते हैं, तो वो देखते हैं. सो 117 प्लस 9, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 9 है उसको हम अलग मेथड से लिखते हैं. किस तरह से, अगर हम लोग 9 को देखे तो 10 माइनस 1 तो इट्स अगेन 9, राइट? तो उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं. 117 प्लस 10 माइनस 1 इट गिव्स यू हाउ मच. ये जो 117 है तो उसका अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करें इसका, सो 117 प्लस 10 माइनस 1, राइट? सो ये जो 117 प्लस 10 माइनस 1 हुआ, अब इन दोनों का पहले हम लोग एडिशन करते हैं तो हमारे पास आता है 117 प्लस 10, यानी कि 127, राइट? अब ये जो 1 है तो वो हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डायरेक्टली हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो है 126. अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करें 117 प्लस 9, तो भी आप लोगों को आंसर मिलता है 126. बट ये जो है कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता है. अब यहाँ पे सपोज 8 दिया गया होता तो आप लोग क्या करते, 10 माइनस 2, राइट? अब ये जो 10 माइनस 2 हम लोग करते तो हमारे पास आता 127 माइनस 2, तो आंसर इज 125. तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हैं 2 डिजिट्स तक, मतलब 10 माइनस 2 तक, 10 प्लस 2 तक भी कर सकते हैं. लेकिन उसमें आप लोग उसके आगे जाएंगे आप लोग तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसमें डायरेक्ट एडिशन करना अच्छा हो जाता है. यहाँ पे जो पैटर्न्स है वो सिर्फ 9 के लिए दी गई है, आप लोग 8 के लिए भी कर सकते हैं एंड 11 एंड 12 के लिए भी कर सकते हैं. अगर आप लोगों को 11 के लिए करना हो तो आप लोग क्या करेंगे, 10 प्लस 1, सो 127 प्लस 1 इट इज 128, ऐसे करके आप लोग कर सकते हैं. लेकिन हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं वो सिर्फ 9 के लिए है, 99 के लिए है, 999, 9999, ऐसे जो नंबर्स हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. फिर जो है यहाँ पे प्लस 9 था, यहाँ पे माइनस 9 है. अगर हम लोगों को एडिशन करना हो तो हम लोग ये वाले मेथड यूज करेंगे, अगर हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम लोग ये वाले यूज करेंगे. सो 117 माइनस 9. अब 117 माइनस 9 हम लोग अगर करें तो 9 के लिए हम लोग अगेन जानते हैं कि 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9. सो 117 माइनस ये जो 9 है उसको हम लोगों ने डिफरेंट टाइप से लिखा है, 10 माइनस 1. सो अगर हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं ब्रैकेट के बाद का, सो 117 माइनस एंड प्लस 10, सो प्लस माइनस माइनस इट गिव्स यू माइनस 10 एंड माइनस 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 प्लस, सो प्लस 1. अब इसका सिंप्लीफिकेशन आप इजीली कर सकते हैं, 117 माइनस 10 प्लस 1. 117 में से 10 जाता है तो हमारे हम लोगों के पास आता है 107 एंड 107 प्लस 1 इट गिव्स यू 108. तो ये जो है हमारे हम लोगों के पास इजी
की कैलकुलेशन है। अब चलते हैं 99 की ओर। तो 99 में हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड 117। अब जब हम लोग जो है 9 के लिए हम लोग लिख रहे थे 10 माइनस 1, तो 99 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 100 माइनस 1। अब इसका अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करें, सो 117 प्लस 100 माइनस 1, सो 117 प्लस 1, सो हाउ मच इट इज 217 माइनस 1, सो इट गिव्स यू 216। तो ये जो है इससे आप लोग इजी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फिर 99 के लिए तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, सेम यहाँ पे जो हम लोगों ने किया था 10 माइनस 1, तो अगेन यहाँ पे हम लोग करेंगे 100 माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करना है, सो हम लोग यहाँ पे सिंबल रखते हैं माइनस का। नाउ अगेन 117 माइनस एंड प्लस 100, सो माइनस प्लस माइनस 100 एंड माइनस माइनस प्लस 1। सो ये जो है हमारे पास, अगर हम लोग 117 में से 100 को रिमूव कर देंगे, 100 को अगर हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग के पास क्या आता है, ओनली 17 प्लस 1, सो इट गिव्स यू 18, राइट। तो आप लोग अगर 117 माइनस 99 करेंगे तो भी आप लोगों को जो है आंसर डायरेक्टली 18 ही मिलेगा। तो ये जो थे वो पैटर्न्स कुछ 10 एंड 100 के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास जो है, सिंपली हम लोग 10 एंड 100 एंड उसका जो है, तो वो हम लोग सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, वो इजी होता है, हमारे माइंड को जल्दी से कैच कर लेता है। तो उसके लिए ये जो है वो एक पैटर्न है। अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, नेक्स्ट पैटर्न के लिए। तो उसमें हम लोगों के पास क्या है, फर्स्ट जो है 84 × 9। अब इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि 84 को डायरेक्टली 9 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और जो मेथड है, तो वो मेथड कौन सी है, 84 × जैसे हम लोगों ने 10 यहाँ पे 9 को डिफरेंट टाइप से लिखा था 10 माइनस 1, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप से लिख रहे हैं 9 को, तो वो है 10 माइनस 1। ये जो मैंने आप लोगों को पहले बताया ना कि 9 के लिए, 99 के लिए, 999 के लिए, तो उसके लिए इजी पड़ता है हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोगों को ऑनली 1 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, या तो 10 में से, या तो 100 में से, या तो 1000 में से। तो इसके लिए ये जो पैटर्न है वो इसके लिए वेरी यूजफुल है। नाउ 84 × 10 माइनस 1, सो 84, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका सिंप्लीफिकेशन, जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर बीच में एडिशन का साइन हो तो हम लोगों के पास होता है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, एंड माइनस का साइन हो तो हम लोगों के पास होता है मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो 84 × 10 माइनस 1, तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है उसको अगर हम लोग यूज करें तो हम लोगों के पास क्या होता है, 84 × 10 माइनस 84 × 1, राइट। अब इसका सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, 84 × 10 इट गिव्स यू 840 एंड 84 × 1 इट गिव्स यू 84। सो 840 − 84 इट कैन बी इजिली सब्ट्रैक्टेड, सो द आंसर इज 756। नेक्स्ट जो है 84 × 99। अब इसमें हम लोगों के पास क्या है, 99 है, तो अगर हम लोग इसको 99 को डिफरेंट टाइप से लिखते हैं तो हमारे पास होता है 100 माइनस 1। 99 को जो मैंने यहाँ पे एक और मेथड से लिखा है 100 माइनस 1, तो अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन वाली जो है वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव उसको यूज करते हैं, हम लोगों के पास आता है अगेन, जैसे यहाँ पे 10 अगर यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है इसमें 100 आएगा −84 × 1, तो ये जो है हमारे हम लोगों के पास, तो उसका सिंप्लीफिकेशन है 8400 − 84, सो द आंसर इज 8360। ऐसे ही हम लोग ये जो 84 × 999 के लिए करेंगे, तो अगेन हम लोग 999 को कैसे लिख सकते हैं, 1000 − 1,
अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सो 84,000 माइनस 84, अब इसका आप लोग सिंपली सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे जो भी आंसर आता है वो होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो है इसलिए ये जो है वो इजी हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो पैटर्न है वो क्या है कि ये जो पैटर्न है, जैसे ये पैटर्न जो है वो हम लोग 9 के लिए यूज कर रहे थे, 99 के यूज कर रहे थे, वैसे यहाँ पे जो ये जो पैटर्न है तो वो हम लोग 5 के मल्टीपल के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि 5, 25, 125। तो ये जो ऐसे कुछ नंबर्स है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, तो सपोज यहाँ पे मैंने लिया है फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है 96, और 96 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे लिए जो अगर सिंपली हम लोग अपनी यूजुअल मल्टीप्लीकेशन मेथड में जाए तो डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 96 into 5, सो 5 6 are 30, 9 5 are 45 एंड कैरी इज एडेड सो दैट राइट। बट इन दिस मेथड व्हाट वी हैव टू डू, 96 into 5, तो 5 का अगर हम लोग डबल करते हैं तो हम लोगों के पास क्या आता है 10 राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो 5 है उसको डिफरेंट टाइप से कैसे लिखा, तो ये जो 96 है 96 वैसे का वैसे रहने दिया, और 5 जो है तो उसमें क्या दिया, 5 9 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड किया, तो 2 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं सो 10 आता है, एंड इन डिनोमिनेटर जो 2 होता है वो 2 का 2 वैसे का वैसे रहने दिया। अब ये जो इनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर में जो दोनों नंबर्स है उसका हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन, सो 960 डिवाइडेड बाई 2 इट गिव्स यू 480। अब ऐसे ही हमारे पास एक नंबर है 25, जो 5 के मल्टीप्लाइज है उसको हम लोग ले रहे हैं, 5 5 are 25, देन 5 into 5 into 5 थ्री टाइम्स हो जाए 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 125। नेक्स्ट अगर हम लोग लेना चाहे तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो आंसर आता है वो लेंगे। अब यहाँ पे मैं सिर्फ 5 into 5 कर रही हूँ तो वो आता है 25, तो ये जो 25 है उसको अगर हम लोग अगर 96 से मल्टीप्लाई करना चाहे, ये जो है 96 96 ये मैंने कॉमन इसलिए रखा है ताकि हम लोग ये जो डिफरेंस है वो इजीली देख सकते हैं। अब ये जो 996 है, जैसे ये जो था वो 10 का हाफ था, अब ये जो 25 है वो कौन सा होगा 100 का फोर्थ पार्ट, तो अगेन हम लोग इसको 25 को अगर हम लोगों को ये जो 2-digit नंबर है तो उसके नजदीक वाला जो है वो होता है 100 राइट। अगर हम लोगों के पास 125 है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे 1000। अगर हम लोगों के पास 1 digit और हो जाता है तो हम लोग उसके लिए एक 8-digit वाला यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे 3-digit वाला था 125, तो हम लोग यूज कर रहे हैं 400 वाला जो 10s का मल्टीप्लिकेशन आता है वो। तो यहाँ पे हम लोगों के पास 25 है तो 25 को अगर हम लोग 100 लाना चाहते हैं सो क्या करेंगे, अगेन 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 4 से डिवाइड करते हैं, तो हम लोगों के पास आता है जो न्यूमरेटर है उसमें आता है 100 एंड डिनोमिनेटर में जो आता है वो है 4। सो अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन 9600 डिवाइडेड बाय 4, ये जो है आप लोग सिंपली जो है वो डिविजन कर सकते हैं, तो इसलिए ये जो मैथड है वो शॉर्टकट हो जाती है। नेक्स्ट जो है 96 into 125, इन दोनों में तो आप लोग डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन भी करके इजीली आंसर दे सकते हैं, लेकिन अब ये जो है 2-digit नंबर है, ये जो है वो 3-digit नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन आप लोग करेंगे तो लॉन्ग मेथड हो जाता है, तो इसके लिए हम
26,000 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों के पास जो आंसर आता है वो है 12,000। तो ऐसे करके आप लोग ये जो 5 के मल्टीपल्स हैं, जैसे 5 है, 25 है, 125 है, तो उसका सिंप्लीफिकेशन जो है वो इजीली कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 5, 15, 25, 35, 45, ऐसे जो 5 वाले नंबर्स हैं, जो 5 के जिसमें यूनिट प्लेस जो है वो 5 आता है, जैसे आप लोग यहाँ देखिए 5 है, फिर 15 में भी यूनिट प्लेस जो है वो 5 है, अगेन 25 में जो है यूनिट प्लेस जो है वो 5 है, तो ऐसे करके जो 5 वाले यूनिट प्लेस के में 5 वाले जो नंबर्स है उसका अगर हम लोग किसी नंबर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए ये मैथड दी गई है। यहाँ पे 64 × 5, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है नंबर 5 इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो 5 का 2 से मल्टीप्लीकेशन आता है 10, एंड अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग 2 से डिवाइड भी करेंगे, सो 10/2, सो 64 × 10/2। यहाँ पे ऐसे हम लोग ये कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, सो 5 × 2 = 10, 10/2, नाउ 64 × 10/2। अब 64 तो अगर हम लोग फ्रैक्शन निकाले जो 2 से डिविजन कर हो, तो उसके लिए हमारे पास है 32 × 2, ये 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, सो 32 हमारे पास आता है, 32 × 10, तो उसका सिंपली मल्टीप्लीकेशन जो है वो हो जाता है 320। तो ये जो है इतना ईजी हो जाता है, विदाउट एनी कैलकुलेशन यू कैन डू इट एंड इन माइंड, राइट। सो नाउ 64 × 15, ये जो है हमारे पास 15, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 5 है यूनिट्स प्लेस का जो हमारे पास जो है वो 5 है। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये जो 15 है इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों के पास आता है 30, एंड डिवाइड करते हैं तो 2 यहाँ पे हो जाता है। अगेन हम लोग इसके फ्रैक्शन निकालते हैं, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाला थे तो वैसे की वैसे 32 × 2 कैंसिल आउट, सो 32 इज इन मल्टीप्लिकेशन, नाउ 32 × 30, तो ये जो है वो अगेन बड़ा नंबर हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उसके लिए हम लोग ये जो 30 है इसको 10 × 3 भी लिख सकते हैं, सो ये जो 10 है इसको हम लोग अगर इससे मल्टीप्लाई कर दे, ये जो कॉम्पिटेटिव रूल था, सॉरी एसोसिएटिव रूल था, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो ये 32 × 10 = 320 × 3, तो ये जो है वो सिंपली आप लोगों के लिए आसान हो जाता है मल्टीप्लिकेशन करना। ऐसे ही हम लोगों के पास 25 है, तो 25 का जो 2 से मल्टीप्लिकेशन होता है वो है 50। अब 50 को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो अगेन 10 × 5, सो 320 × 5। वैसे ही हम लोगों के पास 35 है, तो 35 का जो डबल है उसका हम लोग 2 से मल्टीप्लिकेशन करें तो हम लोगों के पास आता है 70। नाउ अगर यहाँ पे 45 हो, 64 × 45 हो, तो उसका जो उसको जो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो होता है 90। तो अगेन ऐसे करके हम लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास कुछ पैटर्न्स थी जिससे हम लोग होल नंबर्स जो है उसमें बड़े नंबर्स की जो मल्टीप्लीकेशन है वो इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने एक्सरसाइज 2.3 जो है वो देखेंगे। थैंक यू।